हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2020 फेज वन पेपर्स के जो सॉल्यूशंस है इसके वीडियो सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इन सारे वीडियोस को हम अवंती गुरुकुल के यूट्यूब चैनल और अवंती गुरुकुल के ऐप पे अपलोड करेंगे, तो इनको एक्सेस करने के लिए आप हमारे चैनल पे ट्यून रहिए। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो अवंती गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, 8 जनवरी शिफ्ट का जेई पेपर कल ही पूरा हुआ एंड मेनी ऑफ यू मस्ट बी रियली वंडरिंग कि कल के पेपर का लेवल कैसा था। इस वीडियो में मैं जेई 8 जैन का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का एनालिसिस प्रेजेंट करने वाला हूं। तो इफ यू लुक एट मैथमेटिक्स, जो मेरा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में द पेपर वॉज डेफिनेटली नॉट ईजी। उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड सवाल तो थे, इसका मतलब ये है कि ऐसे सवाल हैं जो आप अगर कोई भी कोचिंग अटेंड करते हो या कोई भी स्टैंडर्ड किताबों से सवाल करते हो, उस टाइप के सवाल बहुत सारे आए थे, बट नन ऑफ देम वर स्ट्रेट फॉरवर्ड इनफ। इनफैक्ट मैंने जब एनालिसिस की पेपर की, शिफ्ट वन जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था 8 जैन को, उसमें सिर्फ 5 ही ऐसे टॉपिक्स थे जिसके सवाल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे जो आप देख के ही कर सकते हैं विदाउट नीड ऑफ मच कैलकुलेशन। सीक्वेंसेस ऑफ सीरीज, रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और लिमिट्स चैप्टर के जो भी सवाल आए दे वर प्रिटी इजी इन शिफ्ट 1। ऑन दी अदर हैंड इन शिफ्ट 2 अगेन स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेट लाइंस, इन चैप्टर्स के सवाल जो है काफी आसान आए थे। बट वॉट इज सरप्राइजिंग इज दैट इन अ क्वेश्चन ऑफ 25, इन अ पेपर ऑफ 25 क्वेश्चन, सिर्फ 5-6 ही सवाल थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। बाकी सारे सवाल, ऑल्दो अगर आपने प्रैक्टिस किया है, आप जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया उनको तो बहुत आसान लगेंगे, बट दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्टेप्स एंड कैलकुलेशंस। और यूजुअली बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स को पेपर के एंड में करते हैं, और हमने जब बहुत सारे हमारे बच्चों से बात की, मेनी ऑफ देम स्ट्रगल टू फिनिश द मैथमेटिक्स पेपर। पूरा अटेम्प्ट इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि एंड तक आते आते लेंथी पेपर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वन ऑफ आर बिगेस्ट लेसन्स दिस ईयर फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ जेई, जब वो अप्रैल में होने वाला है, कि मैथ्स का पेपर इज गोइंग टू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, लॉट ऑफ स्टेप्स, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसका एक तरीका है, आप जब कोई प्रॉब्लम करते हो उस प्रॉब्लम को जल्दी करने का कोई ट्रिक या टिप मन में सोच लीजिएगा, एंड वी विल डेमोंस्ट्रेट अ लॉट ऑफ दीज टिप्स ऑन आर चैनल इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इन बोथ दीज पेपर्स वन अदर थिंग दैट वॉज ऑब्जर्व वॉज दैट कैलकुलस का बहुत हैवी वेटेज था। इनफैक्ट पेपर 2 में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बहुत सारे सवाल आए जो टिपिकली अनकैरेक्टरिस्टिक होता है जेई के पेपर के लिए। उसके अलावा द पेपर हैड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स ऑल अदर चैप्टर्स, जिसका मतलब ये कि रफली हर चैप्टर में से एक एक सवाल तो आया ही था, विद द एक्सेप्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो एक पेपर में जिसके कोई भी सवाल नहीं आए थे। सो दैट वॉज आर एनालिसिस फॉर द जेई दैट हैपेंड ऑन 8 जनवरी। वी विश ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर इट टुडे द बेस्ट ऑफ लक, और कल के पेपर की एनालिसिस हमारे चैनल में अवेलेबल रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और जिन्होंने हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिया है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को रिव्यू जरूर करें।